अब देखिए अपने त्रिकोणमिति के सूत्र बनाएंगे। अपने को पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, अब अपने को 8.4 प्रश्नावली जब हल करेंगे इनका मान रखना पड़ेगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन के बराबर अपने 1 बटा कोसेक रख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो कोसेक के बराबर क्या रख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा। समझ गए? कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस का उल्टा सेक का उल्टा। तो कोस के बराबर क्या रख सकते हैं? 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा। और जहां 1 बटा सेक थीटा आया वहां कोस थीटा भी रख सकते हैं। ये दोनों मान अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक के बराबर क्या रखेंगे? 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा किसका उल्टा है? कोट का। कोट थीटा किसका उल्टा है? टेन का। तो टेन बराबर रखेंगे 1 बटा कोट थीटा, 1 बटा। ठीक है, और कोट थीटा बराबर क्या रखेंगे? 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, ये उल्टे ये मान थोड़े हटके हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन का उल्टा कोट है तो कोट थीटा हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जब उल्टे मान गुणा होते हैं, उल्टे मान साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा को गुणा करेंगे किसको? साइन थीटा गुणा सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक है थीटा का मान होता है 1। साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो मान कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अब देखिए और कोस थीटा को सेक थीटा से गुणा करेंगे तो मान होगा 1। टेन थीटा को कोट थीटा से गुणा करेंगे मान होगा 1। क्या होगा? समझ गए? अब जिस प्रकार अपना साइन थीटा और कोस थीटा है, किसका साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा। क्या है? साइन थीटा और कोसेक थीटा के किसी मान को गुणा कर लो। जिस प्रकार साइन 30 का मान है 1 बटा 2, कोस 30 का मान है 2, 2 एकम 2, कितना आ गया? 1। अब देखो साइन 45 का मान है 1 बटा रूट 2 गुणा कोसेक 45 का मान है रूट 2 एकम रूट 2, कितना आया? यानी हर ये पहलू इसका हल होता है, हर पहलू इसका हल होता है। अब अपने आगे चलेंगे, देखो ये पहला पॉइंट है अपना। एक ही चीज आपको याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, अब इसको अपने पक्षांतर करके 3 सूत्र बनाएंगे, एक तो ये 2 और बनेंगे। अब अपने मैं साइन थीटा को यही रख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, यहां थीटा था भाई, बराबर आगे ना 1 है ना, मैं इस कोस स्क्वायर को आगे ले जाऊंगा, यहां प्लस का आगे जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर है थीटा। अब दूसरी बार मैं क्या करता हूं, कोस स्क्वायर थीटा को यही रख लेता हूं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो है ही, इसको आगे ले जाऊंगा, ये यहां प्लस की थी, आगे जाके किसकी हो गई? माइनस की। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान है 1 माइनस साइन स्क्वायर है थीटा। यानी एक सूत्र से 3 सूत्र बने, समझ गए? दूसरा देखिए अपना, दूसरा सूत्र है अपना सेक स्क्वायर थीटा। क्या चीज? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1, है ना। ये अपने को एक याद करना पड़ेगा। अब इसके आगे जब आप उन्हें हल करेंगे तो इस सेक स्क्वायर को यही रख लो, सेक स्क्वायर थीटा
बराबर ये एक है, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, आगे जाके प्लस का हो गया टेन स्क्वायर थीटा, हो गया दो सूत्र बन गए इसके। तीसरी बार क्या करेंगे अपने, ये सेक स्क्वायर थीटा को तो यही रख लो, इस एक को इधर ले आओ, टेन को आगे ले जाओ, इस एक को इधर लाएंगे, यहां प्लस का था यहां के माइनस का, टेन को आगे ले जाएंगे यहां माइनस का था, आगे जाके किसका हो गया प्लस का, तो तीसरा सूत्र बन गया सेक स्क्वायर माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर, तीन सूत्र बन गए इसके, ठीक है। तीसरा देखिए कोसेक का, इसी प्रकार कोसेक का देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक, आ गया, कोसेक को मैंने यही रख लिया, आगे एक है, इसको आगे ले जाएंगे कोट स्क्वायर थीटा को, ये माइनस की थी, आगे जाके प्लस की हो गई, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए दूसरी बार मैंने कोसेक को यही रखा, लेकिन इन दोनों का स्थान चेंज कर दिया, एक को इधर ले आए तो यहां प्लस का था माइनस का हो गया, ये कोट को आगे ले गए यहां माइनस का था आगे जाए प्लस का हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ये इसके सूत्र बन गए, ये सूत्र अपने काम आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अपने ए माइनस बी, अपने बीच ये व्यंजक के जो गुणनखंड थे वो आ गए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान लो ए माइनस बी और ए माइनस बी दो बार गुणा है, दो बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान लो ए प्लस बी दो बार, एक की स्क्वायर और माइनस बी की स्क्वायर है, इसका मान लो एक बार ए प्लस बी है, एक बार ए माइनस है, ठीक है ना। अब इनका विस्तार जब होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार जब करते हैं तो होता है पहले का होल स्क्वायर माइनस दो गुणा पहली गुणा दूसरी प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, प्लस में है तो पहला चिन्ह प्लस आ जाता है, दोनों में प्लस और माइनस उतना ही फर्क है, माइनस है पहला चिन्ह माइनस का दो, आगे वाला तो प्लस होगा ही, और पहले वाला माइनस प्लस कर दो, अगर पहला माइनस है तो माइनस कर दो और प्लस है तो प्लस है, ठीक है ना, कर सकते हैं इसको।